तो कई बार मरीज अच्छे पोषण के अभाव में दवा लेना बीच में बंद कर देता है, जो कि उसके और उसके परिवार दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा घातक है। हाय, तो हम आए अलवर के सरकारी अस्पताल में और यहाँ टीबी पेशेंट्स की मदद के लिए हम राशन किट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब चूंकि एक सरकारी अस्पताल है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो पेशेंट्स आते हैं उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी वीक ही होती हैं, और टीबी जैसी बीमारी के साथ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल के बाद उनकी जो जमा पूंजी होती है वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। थोड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये इसमें आ गया था, ये बच्चे से ये अपने सुलोचन होती है, अच्छा अच्छा, उसको सूंघने के चक्कर में, वही है ना पेशेंट की, तो इसको बड़ी मुश्किल से हमने ट्रीटमेंट भी लिया, ये मना भी कर दिया था, सारा कुछ था, बच्चा है समझता नहीं था, माँ बाप को समझाया, इनको समझाया, घर जाके समझाया, जब जाके ट्रीटमेंट पे आया, बड़ी मुश्किल से ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है बच्चा, नहीं इसकी स्थिति बेड रेस्ट था। ये किट में न्यूट्रिशियस डाइट के हमने वो प्रीमियम कंपोनेंट्स डाले हैं जो शायद एक गरीब इंसान खुद से अफोर्ड नहीं कर सकता, जैसे कि सोयाबीन, स्प्राउट्स, काला चना, ये भुना चना है, और 2 किलो दलिया। अब इन किट्स पे जो स्टिकर्स लगे हैं ये हमारे डोनर्स के नाम के हैं, और अब जब भी ये किट्स किसी टीबी पेशेंट को दी जाएंगी तो उनके साथ एक फोटोग्राफ लेकर हम अपने डोनर्स को व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। इससे उन्हें पता रहेगा कि जो किट उन्होंने स्पॉन्सर की थी वो बेनिफिशियरी तक पहुंच चुकी है। सो गाइस, हमारा टारगेट है इस हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए उन 3,000 आर्थिक रूप से कमज़ोर टीबी मरीजों की मदद करने का, और इसके लिए हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप हमारे वेबसाइट charitism.com पर जाकर इस कैंपेन को सपोर्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर कीजिए।